आज हम लोग के यहाँ आया है मछली छोटा वाला, जो कि हमेशा नहीं आता है हमारे घर पर, बहुत रेयर आता है। आया है मतलब बहुत रेयर आया है। तो आज हम लोग का सडन प्लान बना कि अब हम लोग चूल्ही पे बनाएंगे, मिट्टी वाला जो होता है। तो हमारे यहाँ है शायद, तो हम लोग को याद नहीं, तो अभी हम लोग जाएंगे ढूंढने और हम यही छत पे बनाएंगे चूल्ही पे। हाँ, तो ये अ काइंड ऑफ पिकनिक हो गया हमारा, तो बहुत मजा आएगा हम लोग को इसमें। तो चलिए चलते हैं अभी ढूंढने चूल्ही को। देखा नहीं है? दिखाना भाई। दो दो था शायद। भगवान, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और चूल्ही मिल गया। इसका वेट बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल गैस से, स्टील वाले गैस से या फिर लोहे, जो भी बोलो। उसको क्या रखना है? यही रख दे। अभी ये गांव जाएगा। अरे वही ना है, उसी में ना है। अब जलावन लाने जाना है। वो बकरी बकरी अथरा भी ले आना है। वो उस पर अथरा तगार तगारी। वापस से हम आ गए हैं उसी जगह पे। इतना ही मिला। हम मम्मी से पूछना पड़ेगा कहाँ से आएगा जलावन। तो ये रहा सारा व्यवस्था। लक्ष्मी मम्मी यहाँ जो है बना रही है मछली। लक्ष्मी की बेटी और यहाँ लक्ष्मी जी की बेटी है छोटी लक्ष्मी। देखो ये कौवा मछली है। नाम सुनिए इसका, क्या फिर से बोलेंगे? कौवा मछली है। क्रो फिश बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बताइएगा आपके इधर में क्या बोलता है? मेरा मेरा मांगुर। हाँ, तुम्हारा है। देखिए इसका मूंछ कितना मस्त है। ये देखो कौन मछली है। है ये पोठिया है ना? ना बड़ा पोठिया होता है। तो बड़का पोठिया। तो अब ये सबको लेके जाना है। इसमें सारा मसाला और इसमें है मछली वाला मसाला और इसमें पता नहीं कुछ। और ये रहा, मम्मी इसको एडजस्ट कर दी सही से ताकि फ्लोर पे कुछ असर। ये अब कढ़ाई इस पे चढ़ गया। मम्मी क्या बोलते हैं इसको, मैं आंच लगा दी है। और अब तेल में इतना और रखो ना। मजा आ रहा है देख के इसको। जल्दी जल्दी बन जाए बस, ये गांव के स्टाइल में। कितना दिन के बाद हम मिला रहे हैं मछली। अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज वगैरह करके हम आ गए और अब आपको दिखाते हैं हम ये जो बन रहा था मछली वो कैसे बन रहा है। और ये देखिए, ये वो प्रोसेस है जो मम्मी लगी हुई है। और ये हमारा समझे एक तरह से लिटिल बिट पिकनिक चल रहा है। इधर में आपको नजदीक से दिखाते हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। और उनमें से एक आप भी हो। I've been driving this train years. ये देखिए, मेरा फोन का स्पेस भर गया है तो भी हम लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। और आपको हम दिखाते हैं अगर ये अंधेरा होता है यहाँ पे तो कैसा लगता है। आपको दिखाते हैं लाइट ऑफ। ये देखिए, अगर इधर अंधेरा होता तो कितना मस्त लगता, मतलब ये फायर कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, कैमरा को डाल रहा हूँ चूल्ही के अंदर, साइड से आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब लाइट ऑन कर दीजिए।
ये देखिए अभी ये लगभग कंप्लीशन में है, और इधर में चल रहा है इन लोग का ड्रामा, मेलो ड्रामा। यहाँ देखिए कुंगफू पांडा कर रहा है वो टेस्ट, सबसे मेन बात टेस्ट। इधर से एक टेस्ट करने वाला है, रुक जा भाई गिर जाएगी। अरे नमक टेस्ट करना। और ये देखिए यहाँ पे टेस्ट कर रहा है हमारा टेस्ट मास्टर, इसका नाम किचन किंग है। टिल सैड सॉल्ट यार, वे तो सैल्ट बोल रहे थे, SALT बोल रहे थे। सैल्ट लिखाता है, सॉल्ट पढ़ाया था भाई। इट वॉज कन्फ्यूजन, ठीक बा। इसको पता है ये ऐसे करके इसलिए चलाने पड़ रहा ना, क्योंकि सब्जी की तरह ये टूट ना जाए, चोखा की तरह बन ना जाए। एक्सरसाइज करने के बाद मछली खाने का मजा ही कुछ और होता है, अगर मछली डेढ़ साल बाद आपको मिले छोटी वाली। हंस रही थी, कुत्ते की तरह हंस रही थी। आप लेट है बनाने में। वो तो हमको लगा बाद में। यार कुछ आप लोग चैलेंज वगैरह दीजिए यार, कुछ समझ ही नहीं आता क्या, बस डेली व्लॉग 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 करते रहे हम लोग तो। कुछ चैलेंजिंग व्लॉग ऐसा दीजिए कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो हम लोग के लिए कि हम लोग को सोचने पड़े कि अच्छा आपने ऐसा बोला करने के लिए, इतना हैवी टास्क मिला करने के लिए, तो कुछ ऐसा करके दीजिए, कुछ सजेस्ट कीजिए। लेकिन हाँ लिमिट में, ऐसा नहीं मतलब मसूरी जाने के लिए या फिर मोरक्को चले जाओ या फिर यूक्रेन, तो बिल्कुल ही मत बोलिएगा। देखिए कुछ लोगों को लग रहा है कि फ्रांस चले जाओ, इसको ये जाए फ्रांस, इसको बोलिए साउथ कोरिया चले, इसको बोलिए साउथ कोरिया चले जाने के लिए। हम सजेस्ट करते हैं एक चीज, आप बोल सकते हैं, हमको लग रहा है कि आप बोलिए कमेंट में कि लतिका 50 पुशअप करके दिखाए, ठीक है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वुमेन भी है तो उसके ऊपर कोई एतजार भी नहीं होगा। तो आप उसको बोलिए एक बार कि 50 पुशअप करके दिखाए। रंजन लतिका कैसे होगा, इतना टाइम से छूटा हुआ है मेरा। और ये देखिए चैलेंज के नाम पे भाग फिर रही है, बताइए चैलेंज एक्सेप्टेड। रंजन जल्दी बताओ, यू कांट एस्केप फ्रॉम माय कैमरा, इधर देखो। ये देखिए लड़की भाग रही है, भागना चाहिए इसको क्या, भाग गई क्या। इस आदमी को 850 बार बताया गया पासवर्ड और इसको पासवर्ड तक याद नहीं है, ये अच्छा है क्या। ये देखिए आपको कैसे, ये देखिए ये भी पासवर्ड गलत बताई है। तो ये हो गया डन, और साइड जा रहा है सारा लकड़ी सब, इसे पानी डाला जाता है ताकि धुआं ना आए। अभी क्या है कि फाइनली मछली बन गया, कंप्लीट है, और आपको जल्दी जल्दी दिखा देगा कि मम्मी को लेकर जाना है, इसको जल्दी उतारना पड़ता है, ठीक है। इतना फास्ट किया, रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं दिए। ये देखिए दिस इज फिश, ये फिश है, अगर आपको ये डायलॉग याद होगा तो आप बताइएगा, ये हमारी दीदी ने बोला था। और ये देखिए ये देसी तरीके से घुमाया गया है, और देसी तरीके से लाइट भी दिखा रही है, इस पर दिखाओ ना इस पर। तो अभी क्या है कि ये निकाला जा रहा है, अभी निकाल रही है, तो अब ये रखा जा रहा है इधर। ये हमारे इधर में रिवाज है, कुछ अच्छा बनता है तो थोड़ा सा जानते ही हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये डायलॉग किसका है वैसे आप बताइएगा। ये है वो फायर, ये है वो आग जिसमें बनाया गया है मछली। ये देखिए मैं धीरे धीरे आग के पास लेके जा रहा हूँ आपको। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट में जरूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बताया कि हमारा 500 सब्सक्राइबर तो पूरा नहीं हुआ है, 440 हो चुका है, 60 सब्सक्राइबर बचा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक रहिए, तब तक बाय बाय, लव यू।